तो अगर आप लोग भी ट्रैवल वीडियो शूट करते हैं और शूट किए हुए डेटा से इस तरीके का ट्रेलर बनाना चाहते हैं, लद्दाख उन जगह में से एक है जहां जाने का सपना मैं सालों से देख रहा था। वहां के लैंडस्केप के साथ लोकल कल्चर, ट्रेडिशन और वहां के रूट्स को एक्सप्लोर कर पाना किसी ड्रीम से कम नहीं था। तो बस कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ा मैं हिमालयाज के अनटच्ड हिस्सों को एक्सप्लोर करने और खुद की लिमिट्स पता करने। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ओवरलैंडिंग हिमालयाज। Then this video is best for you. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेलर होता क्या है। तो ट्रेलर एक वीडियो का शॉर्ट फॉर्म होता है जो उस पूरी सीरीज को डिफाइन कर सके। तो ट्रेलर बनाने के बहुत तरीके हैं और जो तरीका मैं यूज करता हूँ उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स। सेकेंड, इस स्टोरी जो पूरी सीरीज को डिफाइन कर सके। थर्ड, फास्ट और स्लो कट का मिक्सचर। तो आई नो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, तो इसे ईजी करने के लिए इस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इस प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है डेटा शॉर्टिंग। और डेटा शॉर्टिंग के लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक यूज करता हूँ। तो अभी हम लोग आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। मैंने अपना एक प्रोजेक्ट खोल रखा है पुराना और ये है मेरा रो डेटा। तो मैं एक सिंपल तरीका यूज़ करता हूँ कि जब भी मैं डेटा को रफ कट कर रहा होता हूँ, जैसे मैं इस डेटा की रफ कटिंग कर रहा हूँ, तो जो शॉट मुझे लगता है कि ये शॉट ट्रेलर में यूज आ सकता है, जैसे मुझे लग रहा है ये शॉट ट्रेलर में आ सकता है, तो मैं उसे ऊपर की टाइमलाइन के सेकेंड लेयर पर डाल के छोड़ सकता हूँ। अब मैं आगे जाऊँगा। अब जैसे शूट करते टाइम मुझे पता था कि ये शॉट बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें मैं भाग रहा हूँ झरने की तरफ, तो मुझे पता है ये ट्रेलर में काम आ सकता है, तो मैं इसको ऊपर की टाइमलाइन पे डाल के छोड़ दूंगा। तो जैसे इस वीडियो के अंदर जो ये दो शॉट हैं ये मेरे ट्रेलर में काम आ जाएंगे। तो जैसे पुराने वीडियो में मैंने सेलेक्ट कर रखे थे कि ये जितने भी शॉट हैं ये सारे मेरे ट्रेलर में काम आ जाएंगे, तो जब भी मैं ट्रेलर एडिट करूँगा तो मैं इन शॉट में से वीडियो यूज़ कर लूँगा। सो द सेकेंड स्टेप इज स्क्रिप्ट राइटिंग। तो अगर आप किसी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो वो इतना हार्ड नहीं होता जितना किसी ट्रेलर की स्क्रिप्ट लिखना होता है, क्योंकि वीडियो की स्क्रिप्ट में आप एक टाइम पे किसी एक जगह या एक इंसान को डिफाइन कर रहे होते हो और आपके पास टाइम लिमिट भी नहीं होती। बट अगर आप ट्रेलर की स्क्रिप्ट की बात करो तो आपको बहुत कम शब्दों में एक पूरी सीरीज को डिफाइन करना होता है और आपके पास टाइम लिमिट भी होती है, क्योंकि आप एक या दो मिनट से बड़ा ट्रेलर नहीं बना सकते। तो इसे ईजी बनाने के लिए ट्रेलर की स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको दो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, जिसमें से फर्स्ट है वाई। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो वो जगह ही क्यों। तो अब अगर मेरे लद्दाख के ट्रेलर की बात करें तो उसकी पहली लाइन थी, लद्दाख उन जगह में से एक है जहाँ जाने का सपना मैं सालों से देख रहा था। तो ये मेरे वाई का आंसर हो गया कि लद्दाख जाना मेरा एक ड्रीम था, इसलिए मैंने उस जगह को चूज किया। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये स्टोरी किसके बारे में है। तो ये स्टोरी किसी जगह के बारे में हो सकती है, किन्हीं लोगों के बारे में हो सकती है, या फेस्टिवल के बारे में हो सकती है। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अब अगर लद्दाख के ट्रेलर की बात की जाए तो ये स्टोरी थी हम चार लोगों की जो अपनी लिमिट्स पता करने गए थे। बट अगर मेघालय के ट्रेलर की बात की जाए तो ये स्टोरी मेरे बारे में नहीं थी, ये स्टोरी थी मेघालय जगह के बारे में, एक ऐसी जगह जो बादलों के बीच रहती हो। अब आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके एक स्क्रिप्ट बना लेनी है जो आपकी स्टोरी को डिफाइन कर सके। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वॉइस ओवर। तो इस टॉपिक पे मैंने पहले ही एक इनडेप्थ वीडियो बना दिया था जिसकी लिंक मैं यहीं ऐड ऑन कर दूंगा, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो है म्यूजिक सिलेक्शन। तो किसी भी ट्रेलर को एडिट करने के लिए ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग कोई वीडियो एडिट करते हैं तो हम उसके ऊपर म्यूजिक पुट करते हैं, बट ट्रेलर में जस्ट अपोजिट होता है, पूरा का पूरा ट्रेलर एडिट होता है म्यूजिक के बेस पे। तो म्यूजिक ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा जोनर यूज करना है। तो ट्रेलर के लिए जनरली मैं यूज करता हूँ दो जोनर, जिसमें से पहला है सिनेमैटिक और दूसरा है ट्रेलर। तो अब इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं, जैसे तो अगर आपके पास आर्टलिस्ट या किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप सेम तरीके से यूट्यूब पे जाके भी म्यूजिक सर्च कर सकते हैं। तो हमें सर्च करना है सिनेमैटिक ट्रेलर नो कॉपीराइट म्यूजिक।
तो अब हमें इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं और ये ऑप्शन हम हमारे वीडियो में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इनमें से हमें कौन सा म्यूजिक यूज करना है उसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें से पहली ये है कि हमें ऐसा म्यूजिक सेलेक्ट करना है जिस पे हमारा वॉइस ओवर जा सके। सेकंड, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि म्यूजिक सिंगल पेस पे नहीं होना चाहिए, म्यूजिक का थोड़ा पार्ट फास्ट बीट पे होना चाहिए तो सेम थोड़ा पार्ट स्लो पेस पे भी होना चाहिए। जैसे हम कुछ म्यूजिक सर्च करते हैं तो इस म्यूजिक का जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है स्लो पेस में, और वहीं ये वाला पार्ट है ये है फास्ट पेस में। तो एक बार सुनते हैं इसको। तो हमें ऐसा म्यूजिक मिल गया है जिसमें हम हमारा वॉइस ओवर भी इंसर्ट कर सकते हैं और जो फास्ट और स्लो दोनों बीट पे जा रहा है। तो अब बारी आ गई है नेक्स्ट स्टेप की, जो है एक्चुअल एडिटिंग, और ये स्टेप इस पूरे प्रोसेस का सबसे हार्ड स्टेप है। और जब भी कोई स्टेप सबसे हार्ड होता है तो हमें करना ये है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेना है। तो इस स्टेप में सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, एक टाइमलाइन क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे एक टाइमलाइन क्रिएट कर लिया है ट्रेलर एडिटिंग के नाम पे। उस पे आपको ये करना है, सबसे पहले ऐड ऑन कर देना है म्यूजिक जो आपने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर ये म्यूजिक डाल दिया। अब नेक्स्ट ये करना है कि जो वॉइस ओवर आपने रिकॉर्ड किया है उसको आपको ब्रेक डाउन करके इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो ये हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है वॉइस ओवर। मैं हमेशा सोचता था कि वो जगह कैसी लगती होगी जो हमेशा बादलों के बीच रहती हो। तो नेक्स्ट, अब हमें ये करना है कि इस म्यूजिक और वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग हमें इसके ऊपर क्लिप ऐड करनी है। तो क्लिप ऐड करने से पहले आपको इस म्यूजिक को बार बार सुनना है जब तक आपको आइडिया ना लग जाए कि कहाँ पे हमें फास्ट पेस में म्यूजिक मिल रहा है, कहाँ पे स्लो पेस में म्यूजिक मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर क्लिप ऐड करेंगे। तो एक पार्ट तो सिंपल है, जहाँ पे जो वॉइस ओवर आ रहा है वहाँ पे हमें वही क्लिप लगा देनी है। जैसे ये वाला पार्ट है, मैं हमेशा सोचता था कि वो जगह कैसी लगती होगी जो हमेशा बादलों के बीच रहती हो। तो इस पे हम लोग वो क्लिप लगाएंगे जो क्लाउड से रिलेटेड है। तो ये कुछ क्लिप हमने इस पे ऐड ऑन कर दी है जो इस वॉइस ओवर को डिफाइन कर रही है। मैं हमेशा सोचता था कि वो जगह कैसी लगती होगी जो हमेशा बादलों के बीच रहती हो। और तो एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं करना है कि पूरा का पूरा वीडियो फास्ट पेस में चल रहा है। आपको स्पेस रखना है जहाँ पे बंदा ब्रीद कर सके और उस जगह को फील कर सके। तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रोन ऐड ऑन किया है, तो ये मैं बोल रहा था यहाँ पे, जो हमेशा बादलों के बीच रहती हो। तो यहाँ पे जो जगह हमेशा बादलों के बीच रहती हो, तो उसके बाद मैंने एक बहुत ही इम्पैक्टफुल शॉट डाला है जिसमें वो लोकेशन है और वो बादलों के बीच है। तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के बीच में स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको वो पार्ट ढूंढना है म्यूजिक का जहाँ पे आपको हिट मिलेगा। तो जैसे अगर इस म्यूजिक की बात करें तो जो ये वाला पार्ट है ये वो हिट वाला पार्ट है जिसके बाद म्यूजिक पूरा चेंज हो जाता है। इससे पहले जो म्यूजिक चल रहा है वो थोड़ा स्लो पेस में चल रहा है, इसके बाद जो म्यूजिक चल रहा है वो पूरा हाई पिच में जा रहा है। तो इस हिट वाले मोमेंट के बाद जो भी मैंने शॉट लगाए हैं वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट शॉट थे उस ट्रिप के। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे म्यूजिक चेंज होने के साथ ये वीडियो में कितना इंपैक्ट लेके आते हैं। तो राजस्थान की गर्मी में वीडियो बनाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। ये मेरी लाइट छठी या सातवीं बार बंद हुई है ओवरहीटिंग की वजह से। तो मैं जो मेरी फाइनल टाइमलाइन है ट्रेलर की, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो स्टार्टिंग का इसका पार्ट है, जो स्टार्टिंग का ये पार्ट है, ये वॉइस ओवर के ऊपर जा रहा है, ये पूरा स्लो पेस में जा रहा है यहाँ तक, जैसे ये देखेंगे आप। और मुझे समझ आ गया था कि इसे ढूंढने के लिए मुझे कहाँ जाना है। अब मैंने यहाँ पे कुछ शॉट डाले हैं जो पूरा फास्ट पेस में जा रहे हैं। तो ये हमारा हिट पॉइंट है जिसके बाद मैंने सारे ड्रोन शॉट ऐड ऑन कर दिए हैं। इसके बाद म्यूजिक वापस फास्ट पेस में जा रहा है। तो मैंने ये किया है कि जो जितने भी शॉट हैं उनकी स्पीड इंक्रीज करके उनको बहुत ही कम टाइम के लिए डाल दिया है। तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। मेघालय तो जो लास्ट शॉट आप ऐड ऑन करें वो थोड़ा लंबा होना चाहिए और इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो अगर हम लोग मेघालय की बात करें तो डबल डेकर ब्रिज मेघालय को डिफाइन करता है। तो मैंने लास्ट शॉट डाला है डबल डेकर ब्रिज का जहाँ पे इस ट्रेलर की एंडिंग हो रही है।
तो अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है साउंड डिजाइन। तो मैं बहुत हैवी साउंड डिजाइन यूज़ नहीं करता, मैं मोस्टली एम्बियंस वाली साउंड डिजाइन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अगर मुझे कहीं क्लाउड्स दिख रहे हैं तो मैं वहाँ पे क्लाउड्स का साउंड डाल दूंगा, और अगर मुझे कहीं लग रहा है कि कहीं बारिश हो रही है तो बारिश से रिलेटेड साउंड यूज़ कर लिया, या कहीं पर अगर मैं कुछ ट्रांजिशन दे रहा हूँ तो मैं वहाँ पर वॉइसेज या ऐसे साउंड डाल देता हूँ। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका म्यूजिक और वॉइस ओवर बंद करके कि मैंने क्या साउंड डिजाइन की है। तो इस तरीके से आपको इसमें साउंड ऐड ऑन कर देना है। अब साउंड आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, तो उसका पहला चीज़ तो है यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे आप कुछ भी साउंड सर्च कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे रेन का साउंड चाहिए तो रेन SFX, तो रेन के बहुत सारे साउंड इफेक्ट हमें नीचे मिल जाएंगे, तो वो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जितना भी मैंने इन सालों में साउंड डिजाइन का जो मैंने पैक बनाया है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आपकी इतनी मेहनत बच जाएगी। तो अब हमारा वीडियो ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, इसमें दो प्रोसेस और बचे हैं जिनमें से एक है कलर ग्रेडिंग और दूसरा है इस पर टाइटल ऐड ऑन करना। तो टाइटल ऐड ऑन कैसे करना है उस पर मैंने पहले ही एक इनडेप्थ वीडियो बना रखा है, तो उसकी लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। और जो कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो उसके ऊपर मैं इन फ्यूचर एक बड़ा वीडियो बना दूंगा। बेसिक कलर ग्रेडिंग मैंने आपको पहले ही बता रखी है कैसे करनी होती है, तो आप पहले वाला वीडियो चेक ऑन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मैंने ट्राई किया कि जितना सिंपल तरीके से आपको पूरा प्रोसेस समझा सकूं। और अगर आपको लगा हो कि कोई पार्ट मिस हो गया या कोई पार्ट है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख के कुछ सीख के कभी कोई ट्रेलर एडिट करते हैं तो उसकी लिंक आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको रिव्यू भी कर दूंगा, कौन सा पार्ट मुझे अच्छा लगा और कौन सा पार्ट और बेटर हो सकता था वो मैं आपको बता दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।